आज मैं इस लोकेशन में बिल्कुल अकेला हूँ और यह लोकेशन कोई और नहीं मेरे ही फार्म हाउस की है। पेड़ जो ऊपर से आधी चल नहीं रही मगर पेड़ आपको मुझसे काफी अच्छा घूमने लगता है। आज मैं इस लोकेशन में बिल्कुल अकेला हूँ और यह लोकेशन कोई और नहीं मेरे ही फार्म हाउस की है। मेरे पिताजी यहाँ पर पहले कभी कभार आते थे और अभी कल की ही बात है, जब वो यहाँ पर आए तो हम लोगों ने एक भाई चौकीदार रखा हुआ था। वो चौकीदार मतलब कि नालायकी कर रहा था यार, वो शाम को तुरंत सूरज डूबने के बाद यहाँ से निकल जाता था। अब कल जब आया तो यहाँ पर चौकीदार यार दिखा नहीं भाई मुझे, और मैं उसके घर जब गया मैं और मेरे पिताजी, बाद में पता चला यार उसने जो भयानक कहानी बताई ना भाई, उसको सुन के मेरे रूह कांप गए। कहानी सिर्फ और सिर्फ इतनी थी, इतनी क्या थी अभी मैं बताऊंगा आपका विजिट करके, आप बस इतना देखो यार मेरे पास ना तो मेरा कैमरामैन है, मैं यहाँ पर अकेला आया हूँ, बिल्कुल अकेला। पास में आपको साथ व्हीकल की आवाज़ आ रही हो क्योंकि फार्म हाउस मेरा रोड के किनारे ही है। अभी उसने क्या बताया क्या नहीं है मैं आपको स्टोरी में अभी बताऊंगा आगे। तो चलता हूँ, लोकेशन विजिट करा दूँ यार, क्योंकि मेरा अपना फार्म हाउस का डर तो लगना नहीं चाहिए, उसके बावजूद मेरे आज रोंगटे कांप रहे हैं यार। मैं लगभग 5-6 साल पहले ही आया था इस पर, जब छोटा था, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि समय काफ़ी ज़्यादा हो गया ना। तो उठाता हूँ यार कैमरा अपना और देखता हूँ। जानवरों की आवाज़ें आ रही हैं, पता नहीं क्या हुआ आज मेरे साथ। तो दोस्तों लाइट को थोड़ी बढ़ा लेते हैं यार, आज तो मैं आपको अपना फार्म हाउस पहले दिखा दूँ। फार्म हाउस में क्या क्या है दोस्तों, फार्म हाउस जो है ना बहुत अच्छा है और मेरे पिताजी ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पेड़ वगैरह लगा रखे थे। तो कहानी दोस्तों सिर्फ छोटी सी आवाज़ आ रही हो, चिल्ला रहा और दोस्तों बात ये थी कि जो चौकीदार था ना वो मेरे से, हम लोगों से उसने ये बोला कि भाई रात में यहाँ पर अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं और कभी कभी ऐसा लगता है पेड़ के ऊपर से आंधी चल नहीं रही मगर पेड़ ऑटोमेटिक काफ़ी ज़्यादा हिलने लगते हैं। तो अब यहाँ पर उसको काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा था, इस वजह से वो जो है ना भाग गया था भाई। चारों तरफ भी दिखा दूँ यार क्या है यहाँ पे, दोस्तों देख सकते हो आप काफ़ी ज़्यादा बीहड़ क्षेत्र है और अकेले आया हूँ तो काफ़ी ज़्यादा मुझे डर का आभास हो रहा है। मेरे खुद के फार्म हाउस में पता नहीं कब से ये सब कांड होने लगा यार। उसने बताया कि एक बार पास में ही रूम बना हुआ है दोस्तों। कौन है? अरे तेरी बात,
कौन है सलाह के लिए आगे लगता है मैंने गलत कर दिया। कौन है क्या कोई यहाँ पे? वो क्या है? दोस्तों उस जगह पे मुझे ऐसा लगा कोई खड़ा था। कौन है? कौन है? दोस्तों फार्म हाउस बहुत ही भयानक है। ओ शिट, कौन है? वो क्या है? अरे कोई बैठा है क्या? ये क्या? कौन हो आप? कौन है वहां पे? कौन है वहां पे? ये क्या है भाई? कौन है? कौन है? अरे ये क्या है? भागो यार। दोस्तों वहां पर कोई है यार। कौन है? कौन है वहां पे? अरे कोई खांस रहा है भाई। अरे मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है यार। इधर से दिखाएं। है क्या भाई? वो क्या बुरी बला है? इसी वजह से चौकीदार यहाँ से चला गया भाई। सुन 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 कोई है यार वहाँ पे? कौन है? अरे बहुत तेज खांस रहा भाई, पास में नहीं जाने वाला मैं। कौन है वहाँ पे? सामने आना है। कौन है वहाँ पे? कौन है वहाँ पे? सामने आओ। भागो। अरे मम्मी कौन है वहाँ पे? कौन है वहाँ पे? अकेले आना बहुत खतरे का काम है यार। अरे बॉबी भी खांस रहा भाई। कोई है वहां पे जो अभी भी खांस रहा है? अरे तेरी आगे दौड़ के जाता हूँ मैं। कौन है वहां पे? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? वीडियो दोस्तों माफ करो मुझे, बस हो गया मेरा वीडियो खत्म। अब मैं पापा के साथ आऊँगा, मैं उनसे बिना बता के आया था। खत्म, माफ करो भाई, अब ना बनाने वाला एंड।